नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने 17 जनवरी तक लोगों से मुख्यमंत्री उम्मीदवार के बारे में राय मांगी थी। आपका दावा है कि पंजाब में आपका सीएम उम्मीदवार बनाने के लिए 21 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी राय भेजी है। दावे के मुताबिक 17 जनवरी तक 21.59 लाख लोगों ने व्हाट्सएप कॉल और मैसेज पर सीएम उम्मीदवार के चेहरे पर सुझाव दिए। पंजाब के मुख्यमंत्री उम्मीदवार पर बनाया गया 6 मिनट का एक वीडियो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री उम्मीदवार के परिवार को भी बुलाया गया। 12.15 मुख्यमंत्री उम्मीदवार मीडिया से बात करते हुए नजर आए। करीब 12 बजे ऐलान किया गया था भगवंत मान पंजाब में आपके सीएम फेस होने जा रहे हैं, जिसका ऐलान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है और इससे पहले कई तरह के सुझाव मांगे गए थे। जेल से 23 महीने बाद अब्दुल्ला आजम के रिहा होने के बाद सपा नेता और सांसद आजम खान की रिहाई के आसार नजर आने लगे हैं। तमाम मामलों में जमानत हो चुकी है। 2 मामलों में पेंच फंसा होना बताया जा रहा है। उम्मीद है कि अगले सप्ताह आजम जेल से रिहा हो सकते हैं। बता दें कि 27 फरवरी 2020 को सीतापुर की जेल में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा, बेटा अब्दुल्ला आजम बंद हुए थे। तंजीन फातिमा दिसंबर 2020 में रिहा हो चुकी हैं। अब्दुल्ला आजम 15 जनवरी को जेल से रिहा हो चुके हैं। ऐसे में सूत्रों की माने तो अब जल्द ही आजम भी जेल से रिहा हो सकते हैं। फरुखाबाद में पांचाल घाट पर 1 महीने के लिए कल्पवास के लिए बसी आस्था की नगरी मेला श्री राम नगरिया का नगर मजिस्ट्रेट ने औपचारिक रूप से हवन पूजन के साथ शुभारंभ कर दिया है। गंगा घाट पर दीपदान भी किया गया, लेकिन कोरोना और आचार संहिता के चलते आयोजन छोटे रूप में ही किया गया। नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव अपने पति प्रवीण भार्गव के साथ पहुंची। उन्होंने संत सत्यग्री बालकदास और बजरंग दास के साथ हवन पूजन में सम्मिलित हुए। पारंपरिक तरीके से पिछले कई 50-60 वर्षों से मेला लगातार चलता आ रहा है और लोगों की आस्था से जुड़ा है। क्योंकि कोविड का संक्रमण इतना अधिक था तो हम लोगों ने कोविड नियमों का पालन करते हुए ये मेले शुभारंभ करा दिया गया और माननीय हमारे जिलाधिकारी महोदय भी उनकी प्रतीक्षा हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि माननीय चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है और साथ ही वैक्सीनेशन के लिए भी प्रशासन पर काफी दबाव है, तो उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलते जिलाधिकारी महोदय की व्यस्तताएं हैं। सीतापुर के थाना कमलापुर और रामकोट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पर पुलिस ने निष्पक्ष चुनाव को संपन्न बनाने के लिए छापेमारी की। अलग अलग थानों की पुलिस ने 2 अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों पर छापेमारी की है। इस दौरान पुलिस ने 2 दर्जन अवैध तमंचे, अर्धनिर्मित तमंचे बरामद किए। इसी के साथ ही पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को जेल भी भेज दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव को सफल संपन्न कराने हेतु प्राप्त सूचनाओं के संकलन के आधार पर अवैध शस्त्रों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के क्रम में जनपद सीतापुर में 2 थानों, थाना लहरपुर और थाना रामकोट की पुलिस टीमों द्वारा 2 अवैध शस्त्रों की फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया गया है। इसमें 3 अभियुक्तों को अवैध शस्त्रों का निर्माण करने के इल्ज़ाम में मौके से सफलता प्राप्त की गई गिरफ्तार करने में। इनके कब्जे से 2 अवैध शस्त्र फैक्ट्रियाँ, जिसमें कुल 32 तमंचे, जिसमें 20 अदद तमंचा निर्मित विभिन्न बोर के व 12 अदद तमंचा अर्धनिर्मित विभिन्न बोर तथा 10 जिंदा बनाने व मरम्मत के उपकरण इत्यादि बरामद हुए हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। इसी को लेकर सीतापुर में पुलिस उप महानिरीक्षक फराबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह भी मौजूद थे। वहीं पुलिस उप महानिरीक्षक ने निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। पुणे की रेती के सिसम झाड़ी क्षेत्र में एक झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने बेटे की मौत पर झोलाछाप के क्लिनिक में जमकर तोड़फोड़ की। वहीं झोलाछाप डॉक्टर क्लिनिक में ताला लगाकर मौके से फरार हो गया। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच पड़ताल में जुटी हुई है।
वीरेंद्र पाल। क्या हुआ था साहब? सुबह लड़का उठा, फ्रेश हुआ, नहाया, नहाने के बाद छाती में दर्द सा बताया। यहाँ कोई पड़ोस में बंगाली डॉक्टर है, उसके पास गए, दवाई लिए, दो इंजेक्शन लगाए पुल्ले पर और दवाई दी। जैसे ही वहाँ से 5 मिनट नहीं हुई, आते ही उल्टी हुई, उल्टी होते ही के साथ ही बेहोश हो गया। फिर उसे निर्मला में लेकर गए, वहाँ से मने होगी। फिर वो क्या है, हार्ड श्रीवास्तव। ऋषिकेश में कांग्रेस संगठन के प्रदेश महामंत्री विजय सारस्वत एक बार फिर राज्य सरकार पर जमकर बरसे हैं। इस बार उनका गुस्सा राज्य सरकार के साथ साथ स्थानीय विधायक पर भी फूटा। दरअसल कांग्रेस संगठन के प्रदेश महामंत्री विजय सारस्वत ने रेलवे रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता की। विजय सारस्वत ने आरोप लगाया कि ऋषिकेश में 15 साल से विकास का पहिया थमा हुआ है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विकास कार्यों के लिए मिलने वाली विधायक निधि भी स्थानीय विधायक पूरी तरीके से नहीं खर्च कर पा रहे। शहर में सरकार की ओर से एक पार्किंग तक की व्यवस्था नहीं की गई है। विकास निधि का आपने पैमाना देख लिया है कि जो व्यक्ति चुनाव के समय में कोई घोषणा सरकार की घोषणाओं में से ना ला पाया हो और अपनी निधि का भी 100% उपयोग न कर पाया हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं देवनगरी में नहीं मानता। ये पत्रकार बंधु ने कहा 93% जो व्यक्ति सिर्फ विकास निधि विधायक निधि पर ही काम करते हैं, कोई सरकार की योजना, कोई महिलाओं के लिए डिग्री कॉलेज छात्राओं के लिए, कोई इंटर कॉलेज, कोई पॉलिटेक्निक, कोई ITI, कोई हरिद्वार की तर्ज पर की जलधारा को त्रिवेणी घाट लाने का प्रयास। ऋषिकेश में मुखर्जी चौक पर बीजेपी के प्रचार प्रसार के लिए की जा रही शूटिंग के दौरान जमकर कोविड नियमों का उल्लंघन किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ाई गई हैं। शूटिंग में मौजूदा कलाकारों ने मुंह पर मास्क तक नहीं लगाया। यही नहीं, कलाकारों ने हाथों में पार्टी के झंडे भी लहराए। वहीं इसकी सूचना मिलते ही पुलिस और FSC की टीम मौके पर पहुंची। पूछताछ करने पर शूटिंग कर रही शीशम झाड़ी निवासी अरविंद कुमार ने बताया कि उन्होंने शूटिंग के लिए परमिशन ली है, लेकिन कोविड के नियमों की धज्जियां उड़ाने के मामलों में अरविंद कुमार कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। देखिए उस पर जो है वो COVID-19 के अकॉर्डिंग जो है उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। क्योंकि वो सत्तारूढ़ पार्टी का है तो इसलिए उस पर कितनी कार्रवाई होगी, उस पर क्या असर पड़ेगा? नहीं नहीं, देखिए कोई भी हो सब पे कार्रवाई होगी। सर आप फ्लाइंग स्क्वाड से? हाँ हाँ हाँ। तो उसमें किस तरीके से आप कार्रवाई करेंगे? देखिए अभी पुलिस को हमने बता दिया है और जो भी उसमें कार्रवाई करेंगे हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जैसे आचार संहिता लागू हो रखी है उस हिसाब से सत्तारूढ़ पार्टी जो है अपने झंडे के बैनर तले यहाँ पर चुनाव का ऐड का वो प्रचार कर रही थी। आने जाने वाले लोगों को बड़ी परेशानी हो रही थी। कैसे परेशानी होती थी? जैसे भी कोई टम्पू वम्पू आते हैं, बड़ा व्यस्त रोड है यहाँ से आने जाने का, आने जाने वाले का व्यस्त रोड है और ये बाज़ार हमेशा जो है सुबह शाम भीड़ लगी रहती है। बाज़ार में ग्राहक लोग सामान खरीदने आते हैं। नहीं गए हैं। क्या आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है यहाँ? इन्होंने रस्सी बांध के पूरी रोड को जाम कर दिया, जाने वाले लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधम सिंह नगर में आदर्श आचार संहिता की घोषणा होने के बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जिला प्रशासन के निर्देश पर कीचक कोतवाली पुलिस ने सुनहरी वार्ड निवासी श्रीकांत राठौर के घर पर जिला बदर का नोटिस लगाया। आपको बता दें कि श्रीकांत राठौर जो कि भाजयुमो के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं और इस बार कीचक विधानसभा से दावेदारी भी पेश कर चुके हैं। भाजयुमो के पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीकांत राठौर ने बताया कि वो निर्दोष हैं, काफ़ी लंबे समय से क्षेत्र में BJP के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे राजनीतिक साजिश के कारण दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं किसी के डराने से डरने वाला नहीं हूँ। ADM प्रशासन की तरफ से आदेश आया था जिसके विरुद्ध जो है जिला बदर की कार्रवाई की गई है। ये श्रीकांत राठौर पुत्र स्वर्गीय बालक राम, ये है वार्ड नंबर 6 सुनहरी का रहने वाला है। इसके विरुद्ध जो है कल इसके घर पे उसका चस्पा किया गया और जिला बदर की कार्रवाई की गई है।
सिंह के परिवार वालों को बता दिया गया था फोन करने, उसके बाद फोन करने पर उसने बताया कि मैं जिले से भाग सकता। देखिए, मेरे खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और लंबे समय में भारतीय जनता पार्टी में सेवा करने का काम कर रहा हूँ। इस क्षेत्र मैंने विधानसभा के लिए आवेदन किया, प्रदेश में जिला में आवेदन किया है। हर व्यक्ति की आकांक्षाएं होती हैं, परंतु आज मेरे साथ बहुत गलत हुआ। मैं इस क्षेत्र में गुंडा ही नहीं कर रहा हूँ, गुंडा नहीं हूँ। मैंने किसी को मारा नहीं, मैंने किसी को पीटा नहीं। कुछ साफ सभी है, मेरी लोग पीटता है, जनता मेरे साथ है, जनता मुझे चाहती है। इसलिए कुछ नेताओं को बहुत दर्द हो रहा है और कुछ नेताओं को ऐसा लग रहा है कि हमें कहीं गद्दी ना छोड़नी पड़े। तो मैं कहना चाहूँगा कि प्रशासन को भी देखना चाहिए, जांच होनी चाहिए कि गुंडा है कोई तो गुंडा एक्ट लगना चाहिए। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। सरकारों से सवाल पूछना है मेरी आदत। मैं वो नहीं हूँ जो सत्ता से सवाल नहीं पूछते, मैं वो हूँ जो सत्ता से ही सवाल पूछता हूँ। मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ, उसी पे बात करता हूँ। राष्ट्रहित राष्ट्रहित राष्ट्रहित, किसी ने राष्ट्रहित नहीं दिखाया। मेरा अंदाज है बेबाक। माननीय मेनका गांधी जी, आपने कहा कि तुम्हारे पिता क्या चपरासी थे, तो सुनिएगा सांसद जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाय बेचते थे। हम उठाते हैं आपके मुद्दे। माहौल गरम है, मुद्दा भी गरम है। तो बजा के पूछिए इनसे कि क्या वादे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो रिजाइन करोगे? अपना जोश और वोट बचा के रखिएगा। चलिए भारत माता की। हम लेते हैं सीधा सरकारों से जवाब। बहुत सारे सवाल है। इस आंदोलन में बहुत सारे किसानों ने अपनी जान गंवा दी। लखीमपुर तो आप पहुँच गए, पंजाब में क्या किसी किसान की मौत नहीं हुई? न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। सब यहाँ किसान परिवार से आते हैं, आप क्यों खेत दिखा रहे हैं? आपकी सरकार में किसान क्या खुदकुशी नहीं करते थे, तब आपकी सरकार जाती है? हम हैं न्यू वर्ल्ड इंडिया। नया सवेरा, नया सफर, नया है आगाज। एक नई सुबह, एक नई शुरुआत। चाय की चुस्कियां गुड मॉर्निंग इंडिया के साथ। बाय मम्मी, बाय पापा। हाय। इससे अच्छी शुरुआत क्या भला हो सकती है? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज होल इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंडिया। दिन भर के लिए रहिए फुल अपडेट। दिन भर के बड़े डेवलपमेंट्स, दिन भर की पॉजिटिव खबरें। मंडे टू सैटरडे सुबह 8 बजे देखिए गुड मॉर्निंग इंडिया पारुल त्यागी के साथ और काजल नारायण के साथ। मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत फेक न्यूज फैलाना इतना आम क्यों हो गया है? तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट नाइन में हम बात करेंगे उस परत दर परत की जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं, तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट भारत एट नाइन पर। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आईएमआईएम ने गाजियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा से पहले हिंदू उम्मीदवार पंडित मनमोहन जागामा को उम्मीदवार बनाया है। मनमोहन जागामा ने कहा है कि समाजवादी पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है, 22 साल समाजवादी पार्टी की सेवा की, लेकिन हमें कुछ भी अधिकार नहीं मिला। असदुद्दीन ओवैसी संविधान पर विश्वास रखते हैं, उनके बारे में गलत कहा जाता है कि वो मुस्लिम पार्टी के ही नेता हैं। मैं दिल की गहराइयों से अपने नेता, गरीब मजदूर किसान दलित अल्पसंख्यकों की आवाज को हमेशा बुलंद करने वाले
ओवैसी साहब का आजीवन ऋणी रहूंगा, मैं ही नहीं मेरा पूरा परिवार उनका ऋणी रहेगा, और जब तक शरीर में जान है ओवैसी साहब जिंदाबाद करते रहे। अच्छा कामा जी, एक बात बताइए कि AIMIM जो पार्टी है उसमें सभी जितने भी अभी तक प्रत्याशी उतारे हैं वो सभी मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, तो ये आप पर इतना विश्वास जताया है आखिर क्यों? हिंदुस्तानी हूँ, देखिए यही लड़ाई है हमारी इन भारतीय जनता पार्टी और कुछ चैनल जो एक प्रोपगंडा करने का काम करता है कि ओवैसी साहब मुसलमानों की बात करते हैं। अरे ओवैसी साहब, जब गुप्ता को गोरखपुर में मारा जाता है तो कौन लड़ता है? ओवैसी साहब लड़ते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसमें चुनाव को लेकर किस स्तर पर तैयारियां की गई, इन सभी बातों को जानने के लिए हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे से खास बातचीत की। हमारे हरिद्वार ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीम ने इस दौरान जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। चुनाव आयोग ने 22 तारीख तक चुनाव प्रचार के भी रोक लगाई है, हमारे साथ DM हरिद्वार मौजूद है, इनसे बात करते हैं। डीएम साहब, किस तरह की तैयारियां हैं चुनाव में, कोविड का ध्यान रखते हैं? देखिए, अभी निर्वाचन आयोग ने 22 तारीख तक रैलियों पर, रोड शोज, बाइक बाइसाइकिल जो शो होते हैं उन पर सब रोक लगा रखी है, और निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जा रहा है। हमारी सारी टीमें FST की, सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स और ROs फील्ड में हैं, और उन लोगों का हर संभव प्रयास है किसी भी दशा में आचार संहिता का कोई उल्लंघन न हो, यदि कोई मामले आ रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। फैसला दिया है कि आपराधिक प्रवृत्ति के जितने भी नेता है जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है वो उन पर उनका जो डाटा है आपराधिक सारा ऑनलाइन किया जाएगा, उस पर क्या दिखे? देखिए, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दो पिटीशंस थी उस पर आदेश किए थे, उसको भी निर्वाचन आयोग ने समराइज करते हुए एक निर्देश सभी DOs को भेजा है और हमारे CEO के पास भी गया है। सभी पोलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधियों को मीटिंग बुला के उन्हें बता दिया गया है कि उनका जो भी आपराधिक प्रवृत्ति होंगे उन्हें अपना नॉमिनेशन के समय एफिडेविट में इसको शो करना पड़ेगा। इसके अलावा 3 बार उन्हें समाचार पत्रों में विड्रॉल के बाद प्रकाशन कराना होगा, एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में और एक लोकल समाचार पत्र में, साथ ही TV सोशल मीडिया पर भी उसका प्रकाशन करना होगा, और ये बात सभी पोलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधियों को विधिवत बता दी। यदि किसी नेता पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होंगे तो क्या उनका नॉमिनेशन कैंसिल किया जाएगा? ऐसा कोई प्रावधान नहीं, केवल ये है जो कन्विक्टेड होंगे, जिनको कन्विक्शन हो चुका है किसी बड़े अपराध के मामले में, जिसमें 3 साल ऊपर है, तो उसके लिए प्रावधान है। वैसे वो चुनाव लड़ने से अयोग्य होता है, बाकी मामलों में अगर मामला अंडर ट्रायल है तो जब तक कोर्ट से साबित नहीं हो जाएगा चुनाव लड़ने के ऊपर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इसकी सूचना समाचार पत्रों में दी जाएगी ताकि लोकल मतदाता ये जान सकें कि वो जिस उम्मीदवार को वोट देने जा रहे हैं उसका इतिहास क्या है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, तो वहीं झबरेड़ा विधानसभा से कांग्रेस के दावेदार राजपाल ने चुनाव को लेकर क्या तैयारियां की है, इसी को लेकर झबरेड़ा से कांग्रेस पार्टी के दावेदार राजपाल से खास बातचीत की हमारे हरिद्वार ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीम ने। इस दौरान क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम अभी झबरेड़ा में पहुंची है, झबरेड़ा में कांग्रेस के दावेदार राजपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह की इनकी चुनाव की तैयारियां हैं। राजपाल जी, किस तरह की तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ इंडिया का धन्यवाद देना चाहता हूं, अपना कीमती समय आपने निकाल कर मुझे वक्त देने का समय दिया है तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है, वो चुनाव चाहे वो BDC मेंबर से लेकर के प्रधान, ग्राम, जिला पंचायत सदस्य का हो या विधायक और MP का हो, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। अपने टिकट के प्रति कितने आश्वस्त हैं आप? बिल्कुल, देखिए, टिकट की जहाँ तक बात है, हर दावेदार, जितने भी यहाँ पर दावेदार हैं विधानसभा झबरेड़ा के, मैं समझता हूँ सभी आश्वस्त हैं, हर आदमी अपने प्रयास में लगा हुआ है। आप कितने आश्वस्त हैं? मैं पूरा आश्वस्त हूँ, और मैं समझता हूँ जो भी पार्टी हाईकमान का आदेश होगा वो सर्वमान्य होगा। 2012 में कांग्रेस पार्टी ने आप पर दांव खेला, 2017 में कांग्रेस ने फिर दोबारा दांव खेला, लेकिन आप नहीं जीत पाए, क्या तीसरी बार भी कांग्रेस पार्टी आप पर दांव खेलेगी?
देखिए, सबसे पहले मैं आपको लोगों ये बताना चाहता हूँ कि 2002 और 2007 का चुनाव आपने देखा होगा तो कांग्रेस पार्टी बहुत कमज़ोर स्थिति में थी, लेकिन जब ये झबरेड़ा के नाम से सीट आई और आरक्षित हुई तो हम लोग यहाँ पर 2010 में हमने कांग्रेस पार्टी के लिए तैयारी करी थी चुनाव लड़ने की, और मैं समझता हूँ पार्टी हाईकमान ने एक विश्वास जताया और मुझे कैंडिडेट बना करके झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र में भेजने का काम किया। और आप को इस बात की भी जानकारी होगी कि मैं उस समय 2012 में मैं जब चुनाव लड़ा तो मैं दूसरे स्थान पर रहा और 19,000 वोट लेने का काम किया, और ये मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी पार्टी के कार्यकर्ता को, अपने समर्थकों को और सभी अपने साथियों को जो क्षेत्र के हमारे जो साथी पार्टी के लिए काम कर रहे थे और कांग्रेस उन्होंने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया। और मैं जब 2017 का चुनाव लड़ा, चूँकि मैंने 2012 से लेकर के 2017 तक मैं पूरे अपने क्षेत्र में, पूरे विधानसभा क्षेत्र में मैं हर आदमी तक पहुंचने का काम किया, मैंने आम जन तक पहुंचा। 2017 में यहाँ से बीजेपी के देसराज करणवाल जी विधायक हुए, उनके काम को लेकर कितने संतुष्ट रहे यहाँ की जनता, और आपका क्या मानना है? देखिए, जनता की अगर मैं बात करूँ तो मैं 2017 की जब मैं बात कर रहा था, 2017 में मैं कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर मैंने चुनाव लड़ा और मैंने 30,000 वोट ली, लेकिन बहुत मुश्किल दौर भी था और कुछ ऐसा यहाँ पर एक हवा चली बीजेपी की, जो लोग हमारे से जुड़े हुए भी थे वो भी लोग भाजपा के साथ जुड़ने का काम उन्होंने किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आज इन 5 सालों के अंदर, चूँकि 5 साल पूरे होने जा रहे हैं 2017 से और 2022 तक का जो चुनाव है, जो सफ़र था, ये लगभग तय होने जा रहा है, और मैं समझता हूँ क्षेत्र की जनता होती है जनार्दन, और मैं समझता हूँ ये जनता ही अर्श पर पहुँचाती है और जनता ही फर्श पर डाल देती है, ये हमेशा होता है। और ये भी 2022 का चुनाव आपके सामने, निश्चित रूप से विधानसभा झबरेड़ा की जनता इस बात का जवाब देगी। राजपाल जी, हमने जहाँ तक क्षेत्र का भ्रमण किया, देसराज करणवाल का विरोध है क्षेत्र में, लेकिन बीजेपी इस बार जो है उनकी धर्मपत्नी जो है वैजयंतीमाला, उन पर दांव खेल सकती है, क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी आ जाए, रहेगा तो परिवार का ही, भाई देसराज जी लड़ते हैं वो भी उसी परिवार से, और उनकी धर्मपत्नी अगर चुनाव लड़ती है ये अच्छी बात है, उनको लड़ना चाहिए, चुनाव भी लड़ना चाहिए, सिटिंग MLA के रूप में है उनका जो देसराज जी है हमारे, तो जनता इस बात का जवाब देगी। पूरे 5 साल के जो कार्य है, जो यहाँ पर इस क्षेत्र में धरातल तक नहीं पहुँच पाए, तो उन सभी को मैं समझता हूँ जनता देख रही है और उनका जवाब देगी 2022 में। आखिरी सवाल, यदि कांग्रेस आप पर दांव खेलती है तो क्या झबरेड़ा किसी कांग्रेस की झोली में डालने का काम इस बार करेंगे? देखिए, मैं झबरेड़ा की नहीं, अब मैं उत्तराखंड की भी बात करूँगा। उत्तराखंड की जनता मन बना चुकी है परिवर्तन का, चूँकि उत्तराखंड की जनता ने अपना मन बना लिया है, कांग्रेस पार्टी की तरफ को देख रही है, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की 2022 में यहाँ सरकार बनेगी और झबरेड़ा की सीट भी कांग्रेस की झोली में जाएगी। मुख्यमंत्री किसको बनना देखना चाहते हैं? हमारे तो देखिए, हमारे आदर्श और हमारे प्रेरणा स्रोत और उत्तराखंड की जन जन की आवाज़, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी को का जो चेहरा है वो मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड की जनता देख रही है, और मैं समझता हूँ निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जो हमारे माननीय हरीश रावत जी उत्तराखंड के होंगे। धन्यवाद। क्योंकि उत्तराखंड की चाहत हरीश रावत और हम सब की चाहत हरीश रावत। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजपाल जी, जो झबरेड़ा से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर, इन्होंने दावेदार के तौर पर हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और जन जन की आवाज़, जन जन के नेता हरीश रावत जी ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। अपने सहयोगी विनोद चौधरी के साथ मैं मोहम्मद अजीम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, हरिद्वार, झबरेड़ा। और फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।